रिश्तों में विश्वास की एक अलग जगह होती है, लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते कब आपके साथ विश्वासघात कर देते हैं आपको खुद पता नहीं चलता, लेकिन आप उस रिश्ते से या उस नाम की वजह से कभी उन पर शक ही नहीं करते। आज मैं अपने साथ एक किताब लेकर आई हूँ जिसमें रिश्तों का एक बहुत ही अच्छा समीकरण देखने को मिला और बहुत ही प्यारी कहानी मुझे लगी, जिसका नाम है वर्जिन मदर, रिटन बाय मिस्टर संतोष कुमार एंड पब्लिश्ड बाय हिंदुगम पब्लिकेशन। जो लोग यहाँ पर नए हैं, पहले मैं उन्हें बता दूँ, माय नेम इज़ निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। यहाँ पर हम बात करते हैं किताबों की, कहानियों की और नए लेखकों की, और संतोष कुमार जी भी एक नए लेखक हैं क्योंकि ये उनकी पहली किताब है। किताब का टाइटल मुझे काफ़ी कैची लगा, वर्जिन मदर। तो इसे टाइटल को देखते ही लोग अपनी अपनी धारणा बनाने लगते हैं कि कहानी में क्या होगा, कहानी में ये होगा, लेकिन जब कहानी पढ़ते हैं तो अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न सामने आते हैं। किताब का कवर भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और अब बात करते हैं हम कहानी की। कहानी बता रही हैं सुहाना, जो कि लीड करेक्टर ही हैं, सुहाना, कबीर और काव्या। ये एक लव ट्रायंगल है। सुहाना भी कबीर से प्यार करती है और काव्या भी कबीर से प्यार करती है, लेकिन कबीर सुहाना से प्यार करता है। आज क्या होता है, आज सुहाना के बेटे और कबीर के बेटे दोनों को ही यंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि दोनों ही बिजनेस फैमिलीज हैं, दोनों में शुरू से ही राइवलरी चलती आ रही है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, तो हमेशा कबीर की फैमिली में ही सभी को यंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और सुहाना की फैमिली में आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन कबीर का बेटा थोड़ा सा लापरवाह है तो वो इस अवार्ड से चूक जाता है और उनकी जो पारिवारिक परंपरा थी यंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने की, वो कहीं ना कहीं टूट जाती है और इससे पूरा ही परिवार बड़ा हताश होता है। लेकिन जब अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है समय को, यानी कि सुहाना के बेटे को, तो अवार्ड देने वाले होते हैं कबीर। कबीर जब समय की माँ का नाम सुनते हैं तो वो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि 24 साल पहले सुहाना ने एक कसम खाई थी कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगी। तो समय से मिलकर कबीर को बहुत धक्का लगता है कि सुहाना ने शादी कब की, कैसे की, किससे की, और धीरे धीरे कबीर इस जाँच पड़ताल में लग जाता है। उधर सुहाना को भी पता चल जाता है कि अनुज, जो कि नॉमिनेटेड है समय के अगेंस्ट, वो कबीर का बेटा है, और वो बड़ी डर जाती है, इसलिए वो अवार्ड फंक्शन में भी छुप के बैठती है। जब वो देखती है कबीर को समय से बात करते हुए तो बड़ी परेशान हो जाती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कभी भी समय का कबीर की फैमिली से या कबीर से आमना सामना हो। अब उसके बाद अनुज, जो कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है, वो बिजनेस में कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता, जस्ट बिकॉज उसके फादर बहुत अच्छा, यानी कि कबीर बहुत अच्छा काम करते हैं, उसकी वजह से ही उसे नॉमिनेट किया गया था। और हारने पर वो इस चीज़ को पर्सनल ले लेता है कि समय अब मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर अनुज और समय दोनों का आमना सामना होता है और अनुज हर बार समय को यही दिखाने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे चिढ़ते हो और तुम्हारी वजह से मुझे घर पर डांट पड़ती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हर जगह पर हर प्रोजेक्ट में जो डील होती थी वो समय क्रैक कर लेता था तो कबीर हर बार अनुज को डांटता था। धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं और जितना सुहाना कोशिश करती है समय को कबीर की फैमिली से बचाने की, उतना ही ज़्यादा समय कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कबीर की फैमिली से या कबीर से इंटरेक्ट होता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब अनुज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एक इंसिडेंट को लेकर। वो अनुज को उसका दोस्त ये भड़का देता है कि क्योंकि तुम हमेशा समय के साथ लड़ाई करते हो और उसकी बेइज्जती करते हो, तो वो अब उसका बदला तुम्हारी बहन के साथ अफेयर करके ले रहा है और तुम्हारी बहन उसके साथ इन्वॉल्व है। इस बात का अनुज पुष्टि भी नहीं करता है, पता भी नहीं लगाता है कि सच है या गलत, लेकिन वो बदला लेना चाहता है समय से और उसे एक पहाड़ी पर बुला लेता है। वहाँ पर अनुज और समय में हाथापाई होती है और समय पहाड़ी से गिर जाता है। उसके बाद अनुज घर आ जाता है, बहुत डर जाता है, घबरा जाता है और किसी को सच नहीं बताता। लेकिन सुहाना को बहुत ढूंढने के बाद ड्राइवर से ये पता चलता है कि समय कहाँ पर गया था, और फिर वहाँ पर गाड़ी मिलती है, गाड़ी में फ़ोन मिलता है। जब कॉल लॉग चेक किया जाता है तो पता चलता है कि अनुज ने समय को कॉल करके बुलाया था, और वो होता है जो सुहाना हमेशा अवॉइड करती थी। वो पिछले 24 साल में आज तक उसने कबीर और उसकी फैमिली का सामना नहीं किया था, लेकिन अपने बेटे की खातिर उसे जाना पड़ता है कबीर के घर।
कबीर के घर जाकर जब वो अनुज से पूछताछ करती है तो बहुत देर के बाद अनुज उसे हाँ बोलता है। लेकिन सब लोग ये शॉक्ड हो जाते हैं कि सुहाना, जिसने कभी ना शादी करने का फैसला किया था, उसका एक बेटा कैसे है। लेकिन जब अनुज बार बार सच पूछने पर भी नहीं बताता, वो एक राज जो 24 साल से सुहाना अपने दिल में दबाकर घूम रही थी और हमेशा समय को बाप का नाम पूछने पर बहलाकर, कभी झूठ बोलकर, कभी बहाना बनाकर टाल देती थी और चाहती थी कि समय हमेशा कबीर की फैमिली से दूर रहे, इन सभी चीज़ों का एक ही रीज़न था, क्योंकि समय उसी परिवार का बेटा था। अब वो कैसे था, कैसे सुहाना ने उसको हासिल किया और क्या हुआ, ये चीज़ें कहानी में बाद में आती हैं। अब कहानी कुछ देर के लिए जाती है फ्लैशबैक में कि 24 साल पहले क्या हुआ था। 24 साल पहले ये हुआ था कि काव्या एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी कबीर की और वो उससे प्यार करती थी कॉलेज टाइम से ही। लेकिन जब वो विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आती है तो कबीर के और काव्या के पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि हम इनकी सगाई कर देंगे। लेकिन उधर ही कबीर और सुहाना एक प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे थे किसी अमेरिकन कंपनी के लिए। वहाँ उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और कबीर ये डिसाइड करता है कि मैं सुहाना से शादी करूँगा। उधर कबीर काव्या को मना कर देता है शादी के लिए, तो काव्या बदला लेना चाहती है और बिजनेस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट करवा के वो जैसे तैसे कुछ फाइलें चुरा के और बहुत सारी चीज़ें करके काव्या और उसकी बुआ जो उसके साथ मिली हुई थी वो ये साबित कर देती हैं कि सुहाना के पिता सिर्फ इसलिए कबीर के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं ताकि वो आपका बिजनेस हड़प सकें। लेकिन इस कहानी में मेन सस्पेंस है कि समय कौन है, समय कहाँ से आया। जब सुहाना की शादी ही नहीं हुई तो सुहाना का बच्चा कैसे है। कबीर का और सुहाना का कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो उसने समय को उस घर का बच्चा कैसे कहा। तो यही सब ट्विस्ट और टर्न्स के साथ कहानी बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन ये सस्पेंस जो मैंने छोड़ दिया है कहानी में, ये जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी वर्जिन मदर। एंड आई रियली रियली लव दिस स्टोरी लाइन। पढ़ते हुए ये लगता है कि किसी बालाजी के सीरियल की स्टोरी है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप अज्यूम कुछ करते हैं कि ऐसा होगा लेकिन एंड बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही अलग तरह का एंड है। आप जो पूरी कहानी पढ़ते पढ़ते आप लास्ट के कुछ पेजेस से पहले भी ये सोचते हैं कि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये एंड हो सकता है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लीजिए लेकिन उससे बिल्कुल डिफरेंट एंड है। सो आई रियली रियली लव द एंडिंग ऑफ द बुक एंड स्टोरी मैंने आपको बताई दी है। नरेशन ऑफ द बुक इज़ वेरी सिंपल। सो गो एंड ग्रैब योर कॉपीज नाउ फ्रॉम द अमेजॉन। बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। फिर से मिलेंगे आपको एक नई कहानी एक नई किताब के साथ। Till then, thank you so much and keep subscribing Nidhi Talks.